ब्लॉग बाजार के इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप देख रहे हो ब्लॉग बाजार की एक और फ्रेश वीडियो। सो गाइस, आज अर्टिगा पार्ट टू के लिए हम दोबारा आ चुके हैं गौरव भाई के पास। नरेंद्र भाई आज इस एपिसोड का पार्ट है नहीं, क्योंकि आज वो किसी काम से गए हुए। सो ओवरऑल जो आपने सपोर्ट किया है पिछले वीडियो को, बहुत अच्छा प्यार दिया आपने। इस तरीके से ही सपोर्ट करते रहो, भैया को प्यार देते रहो, क्योंकि कार लिबास जो है वो नाम ही इस तरीके का है कि वो पूरी गाड़ी का लिबास जो है वो पूरा चेंज कर देते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो रेस्ट ऑफ द काम जो है वो हमारा रह गया था उस अर्टिगा पे, वो था हमारा रूफ का काम, हमारा डोर पैनल्स का काम और कुछ थोड़ा बहुत एक्सटीरियर का काम था हमारा, जो हमने वो फाइनलाइज कर दिया है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि क्या क्या काम उस गाड़ी में जो है वो हो चुका है। तो देखते हैं किस तरीके से होने वाला है इस गाड़ी पे काम। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, फाइनली आप देख सकते हो गाड़ी जो है वो कंप्लीट रेडी हो चुकी है। पार्ट टू जो है बहुत जल्दी हमने बोला था कि इसको लेके आएंगे, पार्ट टू जो है वो आ चुका है। सो अर्टिगा का ओवरऑल काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस गाड़ी में ओवरऑल अब भैया कुछ करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, नहीं ये भी कुछ नहीं बचा। सो गौरव भैया साथ हैं। गौरव भैया, सबसे पहले बहुत अल्टीमेट लग रही है गाड़ी, जो सोचा था हमने वो एग्जैक्टली वैसा ही काम हुआ है। तो सबसे पहले आप खुद बताओ कि गाड़ी में स्टार्टिंग जो हमने जो लास्ट वीडियो जहाँ छोड़ी है उसके बाद से हमने क्या क्या काम इसमें करवाया है। इसके बाद हमने किया है इसके अंदर डोर पैनल्स को हमने पेंट किया है, ये ठीक है। पहले ये बेज कलर के थे, लेदर रैप था, वुडन था इसके अंदर, बट पेंटेड नहीं था, ये बेज कलर में था। इसको हमने पूरी गाड़ी में डोर ट्रिम्स और साइड्स की, अब देखो फ्रंट हो गया, साइड्स हो गए। सो ओवरऑल कस्टमर का प्रेफरेंस था कि हमको कम्प्लीटली जो कलर है वो एक ही चाहिए या इसको डुअल टोन भी हम कर सकते थे। डुअल टोन ही उन्होंने एक ही मांगा था, तो एक ही हमने उसके अकॉर्डिंगली उन्हें करके दे दिया। ठीक है ठीक है। तो ओवरऑल गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है। और ये पेंट एक बार आप मुझे मेरे व्यूअर्स को जरूर बताओ कि ये पेंट कौन सा है और क्या इसकी लाइफ गारंटी क्या है। फिल पेंट है, ठीक है, और इसकी लाइफ टाइम गारंटी है। अच्छा, मतलब ये पील नहीं होगा कभी? नहीं, पील ऑफ होगा नहीं ये। ठीक है, पेंट ड्रॉप अगर कुछ पिन लगता है तो हो सकता है इसके अंदर निशान बढ़े, अदरवाइज अपने आप नहीं निकलेगा ये। तभी इसे ड्राई वॉश जितना भी वॉश करना है इजीली साफ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो मैंने नॉर्मली हम फॉर्म के थ्रू जो है जैसे हम कपड़े वपड़े करते हैं वैसे हम साफ करते हैं, सेम होगा। ठीक है, तो गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है गाइस, आप देख सकते हो पूरा जो काम है इसका, डोर पैनल से लेके आपका गत्ता जितना भी है पीछे का, ये पूरा जो काम है ये पेंटेड हुआ है। और पिलर्स जो है वो भी इसके पेंट हुए हैं या पिलर्स भी इसको आपने जो है वो लेदर आई? नहीं, पिलर्स इसके मैंने ब्लैक किए हैं। पेंट है वो भी है? हाँ, वो भी सेम पेंटेड है। ऊपर का रूम इसका ब्लैक किया, नीचे का रूम पूरा टैन कलर का किया हमने। अच्छा, मतलब इसको हमको डुअल टोन जो हमने बनाया वो यही बनाया कि हमने जो है ऊपर वाले जो हमारा रूफ है उसको हमने ब्लैक किया है, पूरा ब्लैक किया, और नीचे वाले को हमने कम्प्लीटली टैन किया। यस, तो जो फ्लोरिंग है वो भी टैन में है या फिर हमने सिर्फ? नहीं, टैन कलर कस्टमर ने मांगा था, बट उसमें ये था कि टैन मुझे लगाता तो इसके अंदर थोड़ा सा गंदे होने का चांस था, थोड़ा बहुत होता। ठीक है, तो हमने यहाँ ब्लैक किया, वो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, मिडिल पार्ट हमने पूरा टैन रखा है और ऊपर जब हम रूफ पे जाते हैं फिर हमने ब्लैक कर दिया। सो गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है, आप देख सकते हो गाइस। सीट कवर मैं लास्ट टाइम भी मैंने बोला था और अभी मैं बोल रहा हूँ कि सीट कवर एक्चुअली बहुत प्यारे लग रहे हैं, और जो कि हमने बताया था लास्ट टाइम पे भी, ये सिल्क नापा है जो रेयरली अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गौरव भैया के पास है। नेम देख सकते हो कार लिबास। और इसमें जो सेकेंड काम जो हमने लास्ट टाइम जो हमने देखा था एंड्रॉयड व्यू सिस्टम, वहाँ जो हमारा हेड यूनिट था उस पर लग चुका था, अब जो है वो रेयर सीट पे भी हमने जो है वो लगाया है। बेसिकली इसका जो काम है, जो भैया ने मुझे बताया कि ये दोनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्ले करेंगे। अगर किसको इस पे सुनना है तो, अगर उस पे डिफरेंट सुनना है तो दोनों या ब्लूटूथ के थ्रू या हेडफोन के थ्रू आप लगा के दे सकते हो। और टच रिस्पॉन्स की बात करूँ तो टच रिस्पॉन्स इसका जो है वो बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हो। और कॉस्टिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कॉस्टिंग हम सबसे लास्ट में पूछेंगे। फुली एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम है और इसमें जो ओवरऑल जो थोड़ा बहुत और काम जो हुआ है, जैसे सीट का हमने बता दिया, टैन का जो पेंट हुआ है वो बहुत जेन्युइन पेंट हुआ है, बहुत बढ़िया पेंट हुआ है। डिप जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, डिप हुआ है ये चीज़, मैं फ्रंट में भी दिखाता हूँ आपको डिप का पार्ट। और पीछे से भी आप देख सकते हो ये भी जो है वो हमने पूरा जो है, ये सीएनजी वर्जन है आपकी, करेक्ट भैया?
ये आर्टिका वीक्स का सीएनजी वर्जन है और यही बहुत ज्यादा बिक रहा है अभी। ठीक है, तो सीएनजी वर्जन होने के बावजूद भी हमने जो है यहाँ पे जो हमारे जो पीछे के भी पार्ट रह रहा है जहाँ पे हम उसको एक तरह से छोड़ सकते थे उसको भी हमने पूरा पेंट किया है ताकि लगे कि पूरी कंपनी वाली फीलिंग आ रही है, कंपनी फिटेड ही हमारा काम हुआ सारा, कोई आफ्टर मार्केट काम हुआ नहीं है। और देखें तो हमने जो रियर स्कर्टिंग्स और फ्रंट स्कर्टिंग भी हमने लगवाई है इस पर। सो ये क्या जेन्युइन है भैया या ये आफ्टर मार्केट? नहीं, आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट नहीं, ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। ठीक है, मारुति में जेन्युइन अप्रूव्ड प्रोडक्ट है ये। मारुति में आप किसी भी एरिना शोरूम पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा फ्रंट एंड बैक। और बाकी अगर किसी को चाहिए तो आप गौरव भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी वीडियो में भैया ने बताया था कि ओवरऑल जितना भी कार एसेसरीज मारुति और हुंडई जेन्युइन एसेसरीज अगर आपको चाहिए तो आप गौरव भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मार्केट रेट से भी और शोरूम रेट से भी आपको बहुत बढ़िया प्राइस में भैया को दिलवा देंगे। तो नंबर जो है कंटिन्यू भैया का रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप कॉल कर सकते हो। और ओवरऑल हम जब बात करें, एक बार मैं आपको फ्रंट यूनिट भी एक बार दिखा देता हूँ। गाड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है, मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आप देख सकते हो ये पूरा जो पार्ट हुआ था, ये पूरा डिप हुआ था, सामने भी आप देख सकते हो। तो काम जो है बहुत जेन्युइन काम हुआ है, देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है ये वाला ब्लैक रखा गया है, मतलब सिर्फ गाड़ी को डुअल टोन रखा गया ब्लैक एंड बेज, जो एक बहुत प्यारी लग रही है। आई थिंक ओनली वन इन इंडिया कहना बहुत ईजिली रहेगा इस गाड़ी को, क्योंकि ऐसी गाड़ी देखने को बहुत कम मिलती है, मतलब रोल्स रॉयस वाली एक फील आ रही है। yes. है ना, मतलब अर्टिगा को हमने रोल्स रॉयस की फीलिंग कर दी। तो भैया इसका इमेज भी था, मैंने नेट से लिया था वो। ठीक है, मेरे पास जितने भी मैं गाड़ियाँ रेडी करता हूँ ऑलमोस्ट वो नेट से निकालता हूँ मैं। ठीक है, और इसको भी मैंने ऐसे ही किया था, मैंने कस्टमर को बताया था कि मेरे पास एक फोटो है, मैं आपको उसको दिखाता हूँ लास्ट में, एक बार आप डाल देना। हाँ, मैं ये एक इमेज आप देख सकते हो, तो आई थिंक आप लोगों को दिख भी रहा होगा, भैया ने जो इमेज दी है वो मैं इमेज आप देख रहे हो कि किस तरीके से भैया ने इसको डिज़ाइन किया इस इमेज के थ्रू। सेम ट्रू कॉपी मैंने उसी के जैसे उनको बना के दे दिया। कस्टमर का आज फील था, आज बाई चांस थोड़ा सा लेट हो गया मैं, तो कस्टमर को मुझे भेजना पड़ा। ठीक है, गाड़ी अभी होम डिलीवरी करनी है, बाकी इसकी आगे एक फ्रंट स्कर्टिंग्स लगी है, फ्रंट भी हाँ वो भी एक बार मैं दिखा सकता हूँ। और भैया एक बार लाइट जरूर दिखाओ, क्योंकि लास्ट टाइम रिक्वेस्ट बहुत आई है कि जो लाइट जो रिस्पॉन्स रहा है फॉग लाइट पर वो बहुत अच्छा रहा है। तो देख सकते हो ये स्कर्टिंग जो है वो लगी हुई है और लाइट जो रिस्पॉन्स रहा है अब ये देख सकते हो बहुत प्यारी लग रही है। तो नीचे जो ट्राई कलर थे वो ये रहे, जिसमें आपके जो फॉग के लिए भी काम आएगा, आपका अगर आपको नॉर्मल हल्का 4500 केल्विन चाहिए तब आपका काम आएगा, और अगर आपको 6000 केल्विन चाहिए तो इसमें फिर आपको ये काम आएगा। और इसमें ऑप्शन है, आप IPS प्रोजेक्टर भी लगवा सकते हो, नॉर्मल आप फॉग लाइट के थ्रू भी ये चीज़ लगवा सकते हो, और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है इस लाइट का। और ये देख सकते हो आप जो है स्कर्टिंग, इस नॉइज़ को थोड़ा अवॉइड करना। सो देख सकते हो नीचे स्कर्टिंग जो है वो पूरी लगी हुई है और गाड़ी का रिस्पांस बहुत लग रहा है, फ्रंट लुक बहुत अच्छा लग रहा है। डुअल टोन में भी जो है वो हमने रूफ को भी हमने फुल्ली रैप जो किया हुआ है, ये आपने रैप का जो मुझे लास्ट टाइम नाम बताया था एक बार व्यूज का जरूर बता दो। का ये टाइप होता है। ठीक है, और थ्रेड बेस्ड है ये। ठीक है, आप इसको आज उतारो, साल बाद उतारो, पाँच साल बाद उतारो, इसमें गम बॉडी में नहीं आता। ठीक है, तो यानी कि फुल गारंटी है इसकी, पूरी गारंटी है, 5-10 साल की गारंटी है। ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल अब हम जो फाइनल जो एक हमने जो लास्ट टाइम भी वादा किया था भैया अपने व्यूअर्स को कि हम वो चीज़ जो मैंने दिखाई थी वो कहीं ना कहीं इस गाड़ी पे मिसिंग थी, अब उस पे चलते हैं कि एक बार किस तरीके से वो व्यू आ रहा है। तो गाइस इसको देखने के लिए लाइट बंद होना बहुत जरूरी है, और आपके पास ही होगा रिमोट। सो गाइस देख सकते हो 1, 2, 3 देख सकते हो गाइस, पूरा जो गैलेक्सी वाला हमने एक प्रॉमिस किया था आपसे कि किस तरीके का लुक आना चाहिए इस गाड़ी का। सो ओवरऑल गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है, और हमने इसमें सिंगल टोन ही दिया है इसमें कलर, हम चाहें तो मल्टी कर सकते हैं, बट कस्टमर का प्रेफरेंस ये रहा है कि हमको एक ही कलर रखना है उसमें। और आप इसको नीला भी कर सकते हो, जैसे अभी आप देख रहे हो तो वाइट है, इसको रेड भी कर सकते हो, ऑप्शनल है हमारे पास, आप चाहो तो जिस भी कलर पे कर सकते हो। पूरा रॉयल्स रॉयस वाला फील आ रहा है इसमें, बहुत ही बढ़िया गाड़ी लग रही है। मैं एक बार पीछे से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, देख सकते हो गाइज ये पूरा एज तक गया है इसमें, अगर मैं ऐसे टच करके आप देख सकते हो, ये टच कर रहा हूँ मैं तो कहीं पे मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये लाइट कहाँ लगी है, क्योंकि पूरा जो है वो फैब्रिक लगा हुआ है। तो गौरव भैया एक बार ये चीज़ ज़रूर बताओ कि इसमें जो फैब्रिक, आप एक बार इधर आ जाओ तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो इसके अंदर जो ये फैब्रिक लगा है या वेलवेट है या लेदर है? नहीं, इसमें लेदर नहीं है, ये वेलवेट फिनिश भी नहीं है ये। ठीक है, ये हमने कपड़ा इसमें यूज किया है, कारपेट, नॉर्मल कारपेट है ये। ओके, उसको रूफ के ऊपर हमने पेस्ट किया है। जो जो कारपेट हमारा जो नॉर्मल नीचे लगता है वो वाला है या कारपेट नहीं आता, इसके लिए डिफरेंट कारपेट आता है। ठीक है, और उसका फील भी आप देखोगे तो बहुत, हाँ मतलब मैंने तभी आपसे पूछा कि मैंने कहीं पे भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि लाइटें लगी हैं या नहीं लगी है। नॉर्मल पर जैसे हम एक नॉर्मल रूफ पे हम करते हैं वैसे ही हमें फील हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पे कई लोग जो है वो वेलवेट लगवाते हैं, लेदर लगवाते हैं ताकि पील ऑफ ना हो? इसमें वो चीज की पील ऑफ नहीं होगा, इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। ये मेरे पास 4 दिन से इवन खड़ी हुई है और आपको पता धूप भी नहीं है। करेक्ट, और कहीं से आप इसमें देखो कहीं से कोई गैप नहीं है, बिल्कुल पेस्टेड है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो काम बहुत ही जेन्युइन है। मतलब सबसे जो बेटर पार्ट जो मुझे लग रहा है, एक बार मैं लाइट भैया को बोलूंगा बंद करेंगे, ये देखो मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि कहीं एक वैली के अंदर बैठे हैं और इस गाड़ी के अंदर वैली में की तरह बैठ के हम काम करवा सकते हैं। कि आप हिल स्टेशन जाने का बस भैया मन कर रहा है कि हिल स्टेशन इस गाड़ी को लेके चलो जाओ और गाड़ी के अंदर ही बस बैठे रहो आप, कस्टमर ने जाना हिल स्टेशन ही जाना है लेके। ओके, तो बहुत बढ़िया गाड़ी लग रही है। बाकी जो सबसे प्यारा जो मेरा था लास्ट टाइम भी, जो वन ऑफ द फेवरेट था, वो ये था कि कहीं ना कहीं एक फील जो है वो बहुत अच्छा आ रहा था। इस चीज़ के लिए भी अगर कॉन्टैक्ट करना है तो आप भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नरेंद्र भी आज है नहीं, जो लास्ट वीडियो में अवेलेबल थे, सो इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम बताया था कि वो डीसी के साथ जो है वो काम करते थे, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल जो काम होता है वो ओवरऑल दिखता ज़रूर है। तो ये चीज़ बहुत बेटर लग रही है। कई लोगों ने कमेंट किया कि हमने ये चीज़ किया है, और एक लास्ट वीडियो में भी बंदे ने बोला था कि मुंबई में भी ऐसा काम होता है, तो अब जिसको नॉर्थ इंडिया में काम कराना है वो मुंबई तो जाएगा नहीं, जो चीज़ मैंने ऑलरेडी उसको बताया भी था। बट कहीं ना कहीं आज उस गाड़ी में जो हमने देखा है कि उससे बेटर ही काम हुआ है भैया, और काम बहुत बेटर लग रहा है। तो ओवरऑल अब हम एक बार बाहर आके बात करते हैं कि कॉस्टिंग कितनी पड़ती है इसकी। बंद कर दो लाइट, बंद कर दो गाड़ी, बंद कर दो भैया। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो इसमें स्पॉयलर भी लगा है, और प्रेफरेंस जो है कस्टमर की मैरून कलर थी। इसके बारे में भैया एक बार ज़रूर बताएंगे कि मैरून कलर कस्टमर का क्यों चॉइस है? कस्टमर का मैरून कलर का चॉइस है, एक तो ब्लैक के अंदर इमर्ज हो रहा था, हमने पहले ब्लैक भी लगाया था इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। ब्लैक लगाने के बाद क्या था, वो रूफ के साथ मर्ज हो रहा था। ठीक है, अब कुछ कंट्रास्ट देना था कि यार इसका कुछ अलग फील चाहिए। जो टेल लाइट्स है ये रेड कलर की आती है। ठीक है, इससे इन्होंने इसका थीम स्टाइल दे दिया रेड। ठीक है, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं टेल लाइट को मैच करने के लिए जो है वो उन्होंने, अब इसका जो सीक्वेंस आप देखो, हाँ वो इक्वली आ रहा है। इक्वल आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने बताया कि आफ्टर मार्केट हेड लाइट्स नहीं है, पिलर पे लाइट है इसके? नहीं, पिलर पे लाइट नहीं है, कस्टमर का चॉइस नहीं था कि वायरिंग से कुछ ज्यादा करना नहीं था। ठीक है, क्योंकि चाइनीज आती है तो हो सकता है कि खराब खराब ऑप्शंस बहुत होते ही है, खराब होगा ही होगा, और थोड़ी कॉस्टली भी आ रही, तो इसलिए वो प्रेफरेंस नहीं रहेगा। तो जेन्युइन OEM आपकी लाइट्स लगी हुई हैं, स्पॉइलर भैया ने जो है वो इंस्टॉल किया है इस पे, स्कर्टिंग्स जो लगवाई हुई हैं आपका, जो हमने रिफ्लेक्टर्स ऑलरेडी लगा दिए हैं, और ये मैट्रिक्स स्टाइल में है, और आपका जो है बहुत अच्छी लगती है, देख सकते हो आप, ये मैट्रिक्स स्टाइल में है, और गाड़ी बहुत अच्छी, फुटरेस्ट जो है वो साइड में लगा हुआ है। जो लास्ट टाइम वीडियो में दिखा है, अगर नहीं देख रहे हो तो ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हो, गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कार लिबास पे पूरा काम हुआ है। अब ओवरऑल भैया एक बार दुकान की तरफ चलते हैं और एक बार कॉस्टिंग भी पूछ लेते हैं कि टोटल कॉस्टिंग कितनी इसके खर्चा हुआ है गाड़ी पे। सो ओवरऑल अगर बात करें गौरव भैया की, काम जो है वो बहुत बढ़िया, मतलब पिछले अगर हम वीडियो की बात करें तो उसमें भी रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। बट कहीं ना कहीं जो एक कमी थी उस वीडियो में वो थी कि जो हमने गैलेक्सी वाला जो हमारे इस गाड़ी में हुआ नहीं था, और जो पेंट नहीं हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं वो कमी रह गई थी। अब फाइनली जो है वो कमी पूरी हो गई इस गाड़ी में। सो ओवरऑल अब कॉस्टिंग की अगर बात करें तो कितनी कॉस्टिंग पड़ जाती है इस गाड़ी की, अगर कोई भी ऐसा काम कराना चाहता अपनी गाड़ी पे जिसमें कि आप कलर चॉइस उनकी है, प्रेफरेंस उनकी है, अगर कोई गैलेक्सी का काम कराना चाहता तो ठीक है, कोई नहीं कराना चाहता है, अगर वो छोड़ के रेस्ट पूरा आपका रूफ को ब्लैक कराना, आपका पूरा पेंट कराना, और क्या कॉस्टिंग पड़ जाती है पूरे इंटीरियर के लिए? हमने न्यू ईयर का इसके अंदर एक पैकेज अभी लॉन्च किया है इसी साल के लिए। ठीक है, इसमें सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, अंदर का पूरा कलर, ठीक है, पूरा कलर, वुडन डिप, ठीक है, रूफ ब्लैक, ठीक है, उसमें लाइट्स नहीं होंगी, ठीक है, और साइड की लाइट्स होंगी, और जो सीट के नीचे लाइट है, डैशबोर्ड के नीचे लाइट्स है, उसका 99,000 रुपीस का हमने एक पैकेज निकाला है। ठीक है, जिसमें 99,000 रुपए में आपको पूरा इंटीरियर मैच मिलेगा। ओके, सब कुछ उसी में मिलेगा। ठीक है, उसमें स्टीरियो नहीं होगा, स्पीकर्स नहीं होंगे, अंडर सीट जो हमने लगाया वो नहीं होगा, मतलब साउंड पार्ट को छोड़ के बाकी आपका जो है पूरा पेंट पार्ट और आपका फैब्रिक पार्ट जो है वो सब इंक्लूड रहेगा, पूरा इंक्लूड होगा उसी में। ठीक है, और अगर हम बात करें इस गाड़ी की, इस गाड़ी में कॉस्टिंग, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्पॉइलर भी लगा है, स्कर्टिंग्स भी लगे हैं, फुटरेस्ट भी लगा है, इस गाड़ी का जो पैकेज अराउंड बना है वो अराउंड 4 लाख रुपए के आसपास बना है।
ठीक है, जिसमें कि हमारा पूरा साउंड सिस्टम एंड्रॉइड सब चीज इंक्लूड है इसमें। तो और इसमें आफ्टर मार्केट भी कुछ लगा है? आफ्टर मार्केट के इसमें रिफ्लेक्टर लगे हैं अभी। ठीक है, एंड्रॉइड प्लेयर जो है वो फॉक्सवायर का ब्रांडेड है, बट अब पता नहीं अभी आफ्टर मार्केट में तो चल लेना, कुरलबाग में नहीं मिलता ये, डिफरेंट ही ब्रांड है ये। ठीक है, और चाइनीज तो मैं कह सकता हूँ कि चाइनीज में देखो सब आते ही है, सॉफ्टवेयर जो है वो फॉक्सवायर का खुद का डला हुआ है। ठीक है, और मैं इसी को प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये बेस्ट पार्ट है फॉक्सवायर एंड्रॉइड के लिए। ठीक है, और अंडरसेट मिशिगन का लगा इसके अंदर, पॉल का उसका रेफरेंस सीरीज के कंपोनेंट्स लगे हैं इसके अंदर। ठीक है, रियर और आपका फ्रंट, हाँ, रियर और फ्रंट दोनों सेम लगे हुए हैं, और ब्राजो का इसमें एम्पलीफायर लगा हुआ है। ठीक है, और बाकी एम्पलीफायर की वायरिंग किट जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, करेक्ट करेक्ट, वो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और वही लगाई है इसके अंदर। आर सी रेट नॉर्मल मार्केट की है, एंड्रॉइड का जो फ्रेम है वो भी मार्केट से लिया हुआ है, बहुत सारी चीजें, यानी कि गाड़ी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7-7.5 लाख रुपए की आती है, 10-11 लाख रुपए का मॉडल है ये। अच्छा, सीएनजी वाला? हाँ, सीएनजी वाला मॉडल महंगा, एक ही मॉडल आता है। तो उसमें जो बंदे ने काम कराया, तो कस्टमर का क्या प्रेफरेंस रहा और क्या रिव्यू रहा आफ्टर दिस वर्क? आप लेट हो गए यार, नहीं तो मैं आपको बताता कि इसके लिए कस्टमर को मैंने यहाँ डायरेक्टली आज बुलाया हुआ था, और वो खुद बहुत एक्साइटेड। कोई नहीं, आप कस्टमर से अगर रिव्यू भी लेना चाहते हो तो हम इसको स्टोरी में भी डाल सकते हैं कि कस्टमर का क्या रिव्यू रहा इस गाड़ी के लिए। अगर भैया को कॉन्टैक्ट करना है जेन्युइन एक्सेसरीज के लिए और इस तरीके के काम के लिए, तो भैया को कॉन्टैक्ट करो, सपोर्ट करो। दूसरा पार्ट इस वीडियो का बना रहे हैं और ट्राई करेंगे कि जल्दी कोई नई गाड़ी, या फिर हो सकता है कि शायद भैया कुछ मेरी गाड़ी पे कुछ काम करें तो उसको लेके आएंगे फटाफट। और भैया को सपोर्ट करो, कॉल करो, क्वेरी करो, भैया को दिन रात परेशान करो कि हाँ भैया को सपोर्ट करो, क्योंकि नई नई शॉप खोली है और आपको पता है लॉकडाउन में भी किस तरीके का काम चल रहा है सब लोगों का। तो हाँ, ये ज़रूर है, आपको कुछ भी जेन्युइन एक्सेसरीज चाहिए फॉर मारुति और हुंडई से रिलेटेड, तो आप शोरूम से और मार्केट आफ्टर मार्केट से पता करके उसके बाद भैया कॉन्टैक्ट करो, आपको उनसे बेटर रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके का प्यार भैया को बनाए रखो और वीडियो को सपोर्ट। थैंक यू।